तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम विजुअल स्टूडियो के यूआई के बारे में जानेंगे, इसे कैसे चलाया जाता है हम इस बारे में जानेंगे, जैसे कि ये एक्टिव बार, स्टेटस बार, साइड बार और ये वेलकम फाइल, हम इस बारे में आज जानेंगे। तो चलिए बिना कुछ ज़्यादा समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वीएस कोड को कैसे किस किस तरह से ओपन किया जा सकता है। तो हम सिंपली इस विंडो के स्टार बटन पर क्लिक करके हम वीएस कोड, लाइक सभी को मालूम होगा, वीएस कोड सर्च करके आप यहाँ क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और विंडो आर दबा के आप कोड भी दबाओगे तो भी हमारा ये वीएस कोड ओपन हो जाएगा। और हम किसी फाइल के पास जाते हैं जो फाइल हमें एडिट करनी है, रन करनी है, तो हम सिंपली यहाँ आके हम राइट क्लिक करके ओपन विद कोड दबा के हम उस पाथ पे ओपन कर सकते हैं। अगर हमें इस पाथ पे नहीं, हमें स्पेसिफिक फाइल को वीएस कोड में ओपन करना है, तो हम उस फाइल को सेलेक्ट करके और राइट क्लिक करके ओपन विद, मतलब ये ओपन फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है, या तो ओपन विद कोड या तो ओपन, एक क्लिक करके हम वीएस कोड में से इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। और हम इस पे यहाँ सीएमडी क्लिक करके, तो सीएमडी इस बात पे ओपन हो जाएगा और हम यहाँ कोड डॉट क्लिक करेंगे, मतलब टाइप करेंगे और इंटर करेंगे, तो इस बात पे वीएस कोड हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हमें और तरीके जानना है कि वीएस कोड को किस किस तरह से ओपन किया जा सकता है, हम सिंपली टाइप करेंगे वीएस कोड इन्फॉर्मेशन, हम ये लिंक पे आ जाएंगे, कोड विजुअल स्टूडियो डॉट कॉम स्लैश डॉक स्लैट गेट स्टार्टेड एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। ये कोड का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वीएस कोड को किस किस तरह से ओपन किए कर सकते हैं ये सारे कोड यहाँ दिए गए हैं, तो मैंने आपको ये वाला बता दिया। मैं आपको अगर ये वाला बताऊं तो कोड एंड नेम कॉपी करके सीएमडी टाइप करके हम इंटर मार देंगे तो नया विंडो हमारा वीएस कोड का ओपन हो जाएगा। तो ये था हम वीएस कोड को कैसे किस किस तरह से ओपन कर सकते हैं। डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ओपन करके भी, मतलब ये तो सबको ही मालूम होगा। तो चलिए देखते हैं, हम जैसे ही विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते हैं, अगर हमारा कोई प्रीवियस फाइल नहीं है तो हमें ये वेलकम फाइल दिखाता है, जो कि विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्टिंग में सभी को दिखाता है। इसमें क्या रहता है, स्टार्ट न्यू फाइल, ओपन फाइल, ओपन फोल्डर, रन कमांड या ओपन अ वर्क थ्रू, ये रहता है। अगर हमने पिछला कुछ फाइलों पे काम किया, कुछ प्रोग्राम पे काम किया, कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है या कोई वर्कस्पेस पे काम किया है, तो हमारा ये रिसेंट पे हमें दिखाता है। तो सब प्रीवियस वर्क सारे रिसेंट में दिखाते हैं। तो हम सिंपली रिसेंट फाइल पे क्लिक करके हम वो ओपन कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हम अपने गिट बैश को डिफ़ॉल्ट बनाया था, तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट गिट बैश ही ओपन हो रहा है टर्मिनल में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो हम ये सारे टैब के बारे में जान लेते हैं। हम फर्स्ट पे फाइल पे आएंगे, तो इससे जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि न्यू फाइल ओपन हुआ, न्यू विंडो ओपन होएगा, तो ये सब तो मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं। ओपन फोल्डर आप कर सकते हो, कोई और फोल्डर ओपन करना है तो आपको, जैसा कि मुझे ये डेली प्रैक्टिस, तो इस तरह से आप ओपन फोल्डर करके नया फोल्डर ओपन कर सकते हो। आप यहाँ से ओपन वर्क स्पेस
कर सकते हो ओपन रिसेंट, लाइक जैसे ये रिसेंट है वैसे ये रिसेंट स्टोर करते रहता है, आपका प्रीवियस वर्क सारे यहाँ दिखाते रहते हैं। एड वो फोल्डर टू वर्क स्पेस, आप एक्स्ट्रा फोल्डर आप यहाँ ओपन कर सकते हो, लाइक दो फोल्डर आप आपका ओपन हो गया है, ये और ये पाइथन एंड रिएक्ट, दो फोल्डर ओपन हो गया अलग अलग लोकेशन से। आपको अगर क्लोज करना है तो सिंपली आप राइट क्लिक करके इस पे रिमूव फोल्डर फ्रॉम वर्क स्पेस पे क्लिक कर दीजिए, आपका वो फोल्डर क्लोज हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, फाइल में सेव वर्क स्पेस कर सकते हैं, डुप्लीकेट सेव एज, ऑटो सेव। अगर आपको मेरी जैसी प्रॉब्लम है, लाइक आप फाइल को क्रिएट करते हैं, बहुत सारा कोड लिखते हैं, उसके बाद उसे सेव करना भूल जाते हैं, तो आप ये ऑटो सेव मोड पे रख सकते हैं। लाइक जैसे ही आप कुछ करेंगे वो ऑटोमेटिक सेव होते रहेगा, आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं। तो ऑटो सेव पे आप क्लिक करके ऑटो सेव मोड पे रख सकते हैं, जिससे कि वो ऑटोमेटिक सेव होते रहेगा। रेफरेंसेस पे कुछ सेटिंग्स है, सेटिंग एक्सटेंशन कीबोर्ड शॉर्टकट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूजर स्नैपेड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कलर थीम, लाइक हमें यूआई कुछ चेंज करना है तो कलर थीम पे आके हम कर सकते हैं। फाइल आइकन थीम भी हम कर सकते हैं, लाइक ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाइथन का आइकन कैसा दिख रहा है, तो आप प्रेफरेंसेस पे जाके फाइल आइकन थीम पे क्लिक करके आप उस आइकन को चेंज भी कर सकते हैं, उस आइकन को आप चेंज भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट आइकन थीम, टर्न ऑन सिंक, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं भी आपको आगे बताऊंगा। एडिट पे अंडू अंडू, कट कॉपी पेस्ट, फाइंड रिप्लेस, फाइंड इन फाइल, रिप्लेस इन फाइल, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल जाता है कि ये सारे फंक्शन क्या करते हैं। एडिट पे आके ये सारी चीज़ कर सकते हैं। सेलेक्शन पे आके सेलेक्ट ऑल कर सकते हो, जिससे कि पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। एक्सपेंड सेलेक्ट, तब सेलेक्ट को बढ़ा सकते हो, श्रिंक सेलेक्ट कर सकते हो, कॉपी लाइन अप, कॉपी लाइन डाउन, मतलब जो भी सेलेक्ट है आप उसे कॉपी करके, मतलब ऑटोमेटिकली कॉपी होके नीचे पेस्ट हो जाएगा, लाइक जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये देखिए सेम जैसे नीचे पेस्ट हुआ है वैसे आप ऊपर पेस्ट कर सकते हो, इसके शॉर्टकट कीज भी हैं। ऐड कर्सर अबाव है, ऐड कर्सर, लाइक हमें यहाँ कर्सर ऐड करना है, हमें यहाँ ऐड करना है, तो हम अल्ट और क्लिक करके कर सकते हैं। तो उसके भी कुछ यहाँ फंक्शन दिए हैं, ऐड कर्सर अबाव, ऐड कर्सर बिलो, कर्सर बिलो, ऐड कर्सर बिलो। तो हम इस पे ना जाके हम शॉर्टकट की दबा सकते हैं, अल्ट पे, अल्ट को हमें दबाए रखना है और सिंपली माउस का राइट क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक कर्सर ऐड होते रहेगा, हमें जहाँ भी ऐड करना है वो ऐड होते रहेगा। अगर हमें हटाना है तो हम सिंपली उस कर्सर पे क्लिक करेंगे तो वो कर्सर हट जाएगा, वहाँ से अनसेलेक्ट हो जाएगा। माउस के व्हील को हम दबाए रखें और उसे सिंपली नीचे खींचे तो ऑटोमेटिक कर्सर ऐड होते जाएंगे, कर्सर ऐड होते जाएगा, ऑटोमेटिक कर्सर ऐड होते जाएगा। इस तरह से हम मल्टी कर्सर का यूज कर सकते हैं। तो ये वही है मल्टी कर्सर ऐड करना। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्रिंट यहाँ कहाँ कहाँ है, इधर है, इधर है, इधर, तो हमें उस सारे इक्वेरेंस को पकड़ना है, तो सेलेक्ट ऑल इक्वेरेंस पे क्लिक करके हम सारे जहाँ जहाँ प्रिंट लिखा है ये ऑटोमेटिक उसे कैच कर लेगा। अभी हम व्यू पे आते हैं, व्यू पे जैसा कि हम देख सकते हैं कमांड प्लेट है, ओपन व्यू है। ओपन व्यू में हम क्या क्या देख सकते हैं, लाइक हम ये सारे टैब देख सकते हैं, जो जो यहाँ है उसका, उसके कई तरीके हैं ओपन करने के। जैसे कि हम चाहते हैं कि एक्सटेंशन में आ जाए तो हम सिंपली एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, तो हम उस पर क्लिक करके हम एक्सटेंशन पे आ सकते हैं। अपियरेंस पे आप देख सकते हो कि अगर आपको अपियरेंस फुल स्क्रीन चाहिए, लाइक वीएस कोड के सारे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, जैन मोड काफ़ी यूज होता है। जैन मोड बोले तो क्या, ये हमें सिर्फ इतना ही कोड दिखेगा। इसके
इसके अलावा हम और कुछ नहीं देख सकते, हमें फाइल का नाम दिखेगा और हमें कोड कोड दिखेगा, तो इसको ज़ैन मोड बोला जाता है। इस तरह से हम व्यू पे जाके और हम इसे स्कैप करके हटा सकते हैं। तो हमने ज़ैन मोड कैसे ओपन किया, व्यू पे जाके अपीयरेंस पे जाके ज़ैन मोड। ज़ैन मोड का क्यों यूज़ होता है, अगर हमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, मतलब हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे सिवाय कोड के और कुछ ना दिखे, तो इसके लिए हम ज़ैन मोड का यूज़ करते हैं। स्केप मार के वापस हम पीछे आ सकते हैं, मतलब से ज़ैन मोड को हटा सकते हैं। फुल स्क्रीन पे हम आएंगे तो हम जो ऊपर टैब थे मैं वो नहीं देख पा रहा हूँ, प्लस बीच में जो स्टेटस बार था वो भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं अल्ट दबाऊँगा, व्यू पे जाऊँगा, अपीयरेंस पे जाऊँगा और फुल स्क्रीन को अनचेक कर दूंगा, जिससे कि मुझे फिर दिखने लगेगा। तो इस तरह से हम अपना यूआई यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अपीयरेंस पे जाके फुल स्क्रीन लिखना है, ज़ैन मोड करना है, कंटेंट लेआउट, शो मेन्यू बार, शो साइड बार, लाइक साइड बार, स्टेटस बार, हमें साइड बार चाहिए कि नहीं, हमें स्टेटस बार चाहिए कि नहीं, हमें एक्टिव बार चाहिए कि नहीं, हमें शो पैनल या एडिटर एरिया चाहिए कि नहीं, हमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए, हम यहाँ से चेक और अनचेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं साइड बार पे चेक है, पहले से लगी साइड बार, इस पर चेक है, मुझे साइड बार नहीं चाहिए तो मैं उसे अनचेक कर दूंगा, जैसे कि साइड बार हट जाएगी, डबल क्लिक करके उस पर ला सकता हूँ। हम थोड़ा यूआई में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, लाइक हमें मूव साइड बार राइट, मतलब इस साइड बार को हमें यहाँ लाना है, तो हम उसे भी कर सकते हैं, मूव साइड बार राइट, लाइक आप देख सकते हैं इस तरह से आप राइट में ला सकते हैं, लेकिन मुझे लेफ्ट में ही अच्छा लगता है बाय डिफॉल्ट वाला। तो आप इस तरह से अपीयरेंस में जाके आप अपनी यूआई को थोड़ा वो चेंज कर सकते हैं, जूम इन आउट कर सकते हैं, रीसेट जूम कर सकते हैं, एक्सप्लोरर लाइक वही एक्सप्लोरर स्कीम रन एक्सटेंशन यही सब। लाइक मैं इस पर क्लिक करके मैं यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन मैं व्यू पे जाके स्कीम रन या सर्च स्क्रीन में एक्सटेंशन पे मैं यहाँ पे भी क्लिक करके मैं यहाँ आ सकता हूँ। शो वर्ड प्रेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाइक बहुत ही यूजफुल है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा लाइन यहाँ मैं लिख रहा हूँ और कंटिन्यू ये नीचे आ गया, कि किस वजह से हुआ, वर्ड प्रेप की वजह से। अगर वर्ड प्रेप पे मैं क्लिक नहीं करता, लाइक इसे वर्ड प्रेप बोलते हैं, इसका शॉर्टकट की है अल्ट जेड, तो जैसा कि मैं अल्ट जेड दबाता हूँ तो वर्ड रैप जो मोड है वो ओपन हो जाता है, जिससे कि ये लाइन रैप होती है। रैप बोले तो ये ओवर, मतलब ओवर फिल नहीं होती है, लाइक हमें यहाँ स्क्रोल बार का ऑप्शन नहीं आता है, हमें स्क्रोल नहीं करना पड़ता उतना लंबा। जैसे कि मुझे देखना है इसका लास्ट लाइन क्या है, तो मुझे पूरा स्क्रोल करना पड़ेगा, क्या है भाई दिखा दे, तो हमें सामने पूरा चाहिए, तो हम अल्ट जेड मार के वर्ड रैप फंक्शन ओपन करके हम देख सकते हैं, बहुत ही यूजफुल है। अब हम चलते हैं गो की तरफ। गो में भी देख सकते हैं कि आपको पहला ऑप्शन बैक मिलता है, लास्ट एडिट लोकेशन मिलता है, स्विच एडिटर मिलता है, ग्रुप का ऑप्शन देख रहे हैं कि ग्रुप 1-2 दिख रहा है आपको, तो आप लाइक फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ग्रुप बना सकते हैं। हम यहाँ पे जाके ग्रुप पे जाके ग्रुप 2 भी बना सकते हैं और हम कोई अनदर फाइल को सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम दूसरा ग्रुप बना सकते हैं। अगर हमें और ग्रुप बनाना है तो वो सेम मेथड, हम अभी 3 ग्रुप पे काम कर रहे हैं जिसके में कि अलग अलग फाइल्स हैं। तो इसे ग्रुप बोला जाता है, स्प्लिट स्क्रीन बोला जाता है। हम इसमें जैसे कि यहाँ HTML चालू कर ले अपना, यहाँ हम अपना CSS चालू कर ले, यहाँ हम अपना JavaScript चालू कर ले, तो इस तरह से स्प्लिट स्क्रीन भी बहुत ही यूज़फुल होता है। इसे हम ग्रुप करना बोलते हैं,
लाइक इस ग्रुप में कितने टैब खुले हैं, इस ग्रुप में दो फाइल खुले हैं जिन्हें हम टैब भी कहते हैं, इसमें भी दो खुले हैं, इसमें भी दो खुले हैं। तो अगर हमें इसे कट करना है तो हम सिंपली इस थर्ड पे क्लिक करके क्लोज ऑल कर सकते हैं, या तो हम एक एक फाइल को क्लोज करके इसे बंद कर सकते हैं, स्प्लिट स्क्रीन को हम बंद कर सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। गो टू फाइल कंट्रोल पे जितने भी फाइल हमें यहाँ दिखते हैं हम इसे यहाँ पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं, उस पर मूव कर सकते हैं। हम कंट्रोल पी का शॉर्टकट की का यूज़ करके भी कर सकते हैं। जब हम अपना प्रोग्राम चालू करेंगे, लाइक हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे, तो हम धीरे धीरे सारी चीज़ सीख जाएंगे। तो मैं ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए कि क्या क्या हमें हर एक टैब में देखने को मिलता है, ताकि घड़ी घड़ी मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन मैं आगे वीडियो में जैसे जैसे मैं कुछ करूँगा तो आपको बताते भी रहूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और इससे क्या हो रहा है। Go to the line and column, go to the bracket, next problem, previous problem, next change, previous change, like undo, undo जो भी option रहता है आप यहाँ से देख सकते हैं। Go to line, column, अब दो पे मैं क्लिक करूँ तो दो पे आ सकता हूँ। मुझे कौन से लाइन पे जाना है, लाइक बहुत बड़ी फाइल है और मैं देख नहीं पा रहा हूँ मुझे कौन से लाइन पे जाना है। एरर में मुझे लाइन दिखा रहा है कि भाई ये लाइन पे एरर है, तो मैं सिंपली गो पे क्लिक करके गो टू द लाइन और वो लाइन नंबर डाल के लाइक 84 में डालूँ तो नहीं आएगा क्योंकि 84 वहाँ है नहीं। अभी मैं ये फाइल पे सर्च करता हूँ, इतनी बड़ी फाइल है या तो इससे भी बड़ी फाइल है, मुझे लाइक 14 या 11 नंबर पे मुझे टर्मिनल में एरर बोल रहा है इस फाइल के 11वें नंबर लाइन पे कुछ एरर है। मैं ढूंढ रहा हूँ 11 नंबर, मुझे नहीं मिल रहा है। मैं सिंपली गो पे क्लिक करके गो टू द लाइन कॉलम करके 11 नंबर टाइप करके मैं क्लिक करके अब मैं डायरेक्ट 11वें नंबर लाइन पे आ सकता हूँ। तो इस तरह इसका यूज़ हम कर सकते हैं। रन पे जाके हम इसका डीबगिंग कर सकते हैं, रन विदाउट डीबगिंग, ऐड कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, इनेबल और ब्रेक पॉइंट। कुछ ब्रेक पॉइंट डीबगिंग में होते हैं, लाइक हम फाइल को रन करना है और हम चाहते हैं ये लाइन पे रुके तो उसके लिए ब्रेक पॉइंट होता है। टर्मिनल से हम सिंपली अपना टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, रन टास्क, रन बिल्ड टास्क, रन एक्टिव फाइल, रन सेलेक्टेड टैब, लाइक अगर इसको हाईलाइट करूँ, सेलेक्ट करूँ, रन सेलेक्टेड टेक्स्ट करूँ तो एक एक लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है। हम टर्मिनल पे जाएंगे न्यू टर्मिनल से तो न्यू टर्मिनल ओपन होता है, नहीं कि हम स्प्लिट टर्मिनल पे जाएंगे तो एक और टर्मिनल ओपन होएगा जो कि इसके साइड में रहेगा, तो इसे स्प्लिट टर्मिनल बोलते हैं। इतने स्क्रीन में हमें दो टर्मिनल दिखाई देता है। अगर हमें और टर्मिनल ओपन करना है तो हम सिंपली स्प्लिट टर्मिनल, हमें कितना टर्मिनल बाजू में चाहिए, स्प्लिट पे आप क्लिक करते जाओ, टर्मिनल ओपन होते रहेगा। लेकिन इतने कम जगह में इतना सारा टर्मिनल तो मज़ा नहीं आ रहा है, तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम टर्मिनल का प्लेस चेंज कर सकते हैं। आई आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके टर्मिनल के लिए जगह बना रहा हूं। 6 के 6 टर्मिनल ओपन हो गए हैं। तो आपने देखा इस तरह से हम गेट अपने बैच टर्मिनल या टर्मिनल को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसे अलग अलग जगह प्लेस कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो हम इसे सिंपली जिस तरह क्रोम का टैब हम अपने माउस व्हील को दबा करके क्लोज करते हैं, उस तरह हम इसे भी क्लोज कर सकते हैं। लाइक माउस का जो व्हील होता है हम उसे
पहले माउस को, कर्सर को उस बैस के टैब पे लेके आने का और माउस के व्हील को दबाने का, जिससे कि वो टर्मिनल क्लोज हो जाएगा। ये टैब को आप क्लिक करके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में स्विच कर सकते हैं और माउस के व्हील को दबा करके उसे क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह टर्मिनल होता है। हेल्प में आप खो जाएंगे तो आपको वेलकम ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आपको वेलकम स्क्रीन देख सकते हैं, आप इंटरेक्टिव प्लेग्राउंड देख सकते हैं, प्लेग्राउंड में कुछ कोड रहते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी रहते हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। तो आप हेल्प पे जाके रिलीज नोट पे आके आप जो विजुअल स्टूडियो अपडेट हुआ है उसके न्यू फीचर क्या है आप वो देख सकते हो। और हेल्प में क्या क्या है, आप कीबोर्ड शॉर्टकट का रेफरेंस शीट आप देख सकते हो। लाइक आप हेल्प पे जाके कीबोर्ड शॉर्टकट रेफरेंस पे क्लिक करके आप विजुअल स्टूडियो में बाय डिफॉल्ट कितने शॉर्टकट किए हैं आप उसका पीडीएफ देख सकते हो, उसे डाउनलोड कर सकते हो और उसे सीख सकते हो। इंटरेक्टिव वीडियो देख सकते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स के कुछ ब्लॉग देख सकते हो, जैसे कि आप, जैसा कि मैंने अभी पहले यहीं से बताया कि कहाँ कैसे कैसे विजुअल स्टूडियो को ओपन किया जा सकता है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आता है, मैं इस बारे में आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। और आप हेल्प में ज्वाइन ट्विटर रिपोर्ट इशू और आप अबाउट में जाके विजुअल स्टूडियो का जो अब वर्जन है, कौन सा वर्जन है, आप हेल्प में जाके अबाउट में जाके आप देख सकते हो कि आपका कौन सा विजुअल स्टूडियो का वर्जन है। आप इस पर कॉपी कर सकते हो सारे डिटेल, ओके मार के हटा सकते हो। लाइक आप इस वाले टैब को हम एक्सप्लोरर बोलते हैं, जिस पे ओपन फाइल और फोल्डर आपको यहाँ दिखाई देते हैं। आप यहाँ से इस वाले टैब को सर्च बोला जाता है, जिससे कि आप फाइल में कुछ भी सर्च कर सकते हो, ओपन फोल्डर में कोई भी कंटेंट वर्ड सर्च कर सकते हो और उसे यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ इफ़ लिखा, इफ़ ये 4 रिजल्ट आया दो फाइल के अंदर, कि आप देख सकते हो 4 रिजल्ट इन 2 फाइल, उसको इफ़ को आप इट लिख के रिप्लेस कर सकते हो इस रिप्लेस बटन पे क्लिक करके। लाइक आप यहाँ देख सकते हो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करके आपको आप इफ़ को इट से चेंज कर सकते हो। अगर आपके सिस्टम में गिट बैश इंस्टॉल है, आपको इंस्टॉल करना है तो आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखो। गिट बैश इंस्टॉल किए हो, आप वर्जन कंट्रोल करते हो, आप कमिट करते हो, तो सारा डिटेल आपको यहाँ देखने को मिलता है। इसको डीबगिंग टैब बोलते हैं, आप यहाँ से अपने कोड को डीबग कर सकते हो, इसको एक्सटेंशन बोला जाता है, जिसके लिए पॉपुलर है, सारे एक्सटेंशन है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं किया फिर भी ये कैसे इंस्टॉल हो गया, तो मैं आपको बता दूँ, मैं वीडियो ही बना रहा था निखिल, कब ये वीडियो स्टॉप हो गया, जिससे कि मैं आपको बताते गया लास्ट में देखा कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, जिससे कि मैंने पूरा आगे आगे बता दिया और वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए मैं ये दोबारा कर रहा हूँ। निखिल आप ये कैसे करना है, आपको सिंपली आप यहाँ इस सेटिंग के ऊपर आपको एक यूज़र का आइकन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। अगर नहीं दिख रहा है तो आप सिंपली सेटिंग पे जाके टर्न ऑन सिन सेटिंग पे क्लिक कीजिए और साइन इन पे क्लिक कीजिए। ये सारे चेक कीजिए ताकि जो भी इसमें सेटिंग्स है वो भी सिंक होए। प्लस अगर आपने दूसरे मशीन में पहले से ही कुछ किया होगा, कुछ सेटिंग की होगी, कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड किया होगा, कुछ यूआई सेटिंग होगी, तो ऑटोमेटिक इस वाले वीएस कोड में ऐड हो जाएगी। तो मैं ये आप साइन इन पे क्लिक करके, आपको किस पे साइन इन करना है, मेरा अकाउंट पहले से मैंने मतलब इससे पहले किया जिससे कि रिकॉर्ड नहीं बना, तो आपको किस तरह से साइन इन करना है, मतलब अपने सेटिंग को सिंक करना है, इस पे जाना है, साइन इन पे क्लिक करना है, कौन सा अकाउंट है, आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा, आपको ये दोनों ऑप्शन आएगा, साइन इन विथ अ गिटहब, साइन इन विथ अ माइक्रोसॉफ्ट। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट गिटहब किस पे करना है आप कर सकते हो, लेकिन आपको पिछली बार ध्यान रखना है कि आपने किस पे साइन इन किया था।
तो मैंने इससे पहले किया इसलिए मेरा ये ऑप्शन दिखा रहा है, तो इस पर सिंपली मैं क्लिक कर लूँगा और ये सिंक का प्रोसेस चालू हो गया। और जो भी प्रीवियस सेटिंग थी, प्रीवियस मेरे एक्सटेंशन इंस्टॉल थे, जो भी मेरे प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन मेरे इससे पहले विजुअल स्टूडियो कोड में थी, जो कोई भी मशीन में हो, वो ऑटोमेटिक सारे सेटिंग सारे एक्सटेंशन इस वाले मशीन में आ जाएगी, जिससे कि आपको वो चीज़ दोहराना नहीं पड़ता है। ये बहुत ही यूज़फुल है, ये आपको करना चाहिए ताकि आप वही चीज़ बार बार दोहराएं ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसके और अंदर वाले फीचर। ये तो मैंने आपको बाहर बाहर से पूरा बताया है, लेकिन हम अभी इसके अंदर जाएंगे, जैसे सेटिंग के अंदर ये सब कैसे करते हैं, जैसे कीबोर्ड शॉर्टकट कैसे ऐड करते हैं, जैसे यूज़र स्नैपपैड कैसे ऐड करते हैं, कैसे कलर थीम चेंज करते हैं, कैसे फाइल आइकन थीम चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो रहा है, इसलिए मैं अभी इसे यहीं स्टॉप करता हूँ। और अपना ख्याल रखिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।